जिले में कोरोना वैक्सीनेशन पूरे जोरों पर चल रहा है, जिसके संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि वैक्सीनेशन के तीसरे चरण तक अब तक 1,30,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि जिले में 3 दिन 125 सेंटरों पर तथा सप्ताह में 6 दिन 45 सेंटर पर टीकाकरण किया जा रहा है। इसके अलावा 35 प्राइवेट अस्पताल पर भी वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को समय से वैक्सीनेशन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील किया कि अगर वे बाहर से आए तो अपना टेस्ट अवश्य करा लें और समय आने पर अपना वैक्सीनेशन भी कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, अभी हम कोरोना वैक्सीनेशन कर रहे हैं, हम तीसरे फेज से गुजर रहे हैं। तीसरे फेज तक अभी तक हम लोगों ने पूरे जिले में 1,30,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करा चुके हैं और हमारे लगभग 125 सेंटरों पर 3 दिन वैक्सीनेशन हो रहा है, मंडे थर्सडे और फ्राइडे, और 45-46 सेंटरों पर बाकी दिनों भी चल रहा है। तो हम टोटल हर हफ्ते में 6 दिन वैक्सीनेशन कर रहे हैं और हमारे ज़िले में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत ही उत्सुकता दिखा रहे हैं वैक्सीनेशन करने के लिए। अभी तक 35 लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोगों ने हमसे वैक्सीन ले रखी है और वैक्सीनेशन करा रहे हैं, जिससे कि बहुत अच्छा लग रहा है कि प्राइवेट और सरकारी गवर्नमेंट मिल करके दोनों लोग वैक्सीनेशन करेंगे और हम पूरे ज़िले के सभी लोगों को टाइमली वैक्सीनेट कर देंगे। सर, जो एज डिसाइड है, उम्र की जो बात हो रही है, तो अभी कितने उम्र के लोगों को टीकाकरण लग रहा है? अभी तो गाइडलाइन वही चल रही है कि 60 साल के ऊपर सभी लोगों को दिया जा रहा है और 45 साल के ऊपर जो कोबाइमिट है उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। लेकिन अभी सरकार की तरफ से ऐसा सुझाव आया है कि 45 साल के ऊपर सभी लोगों को, चाहे वो बीमार हो चाहे स्वस्थ हो, सबको वैक्सीनेट किया जाए। लेकिन इसके लिए अभी 1 अप्रैल के बाद कोई दिशा निर्देश आएगा तब हमको चालू कर देंगे। सर, कुछ अफवाहें बढ़ी हैं कोरोना का, कुछ केस भी इधर बढ़ा है? जी हाँ, कोरोना का केस बढ़े हैं और इधर हमारे ज़िले में भी कभी 11 आ रहे हैं, कभी 10 आ रहे हैं। तो चूँकि बाहर से लोग आ रहे हैं और ये फेस्टिवल का सीज़न है, होली चल रही है, तो बम्बई जहाँ भी हमारे 7 प्रदेश जो हैं जहाँ पर कोरोना फैला हुआ है वहाँ के लोग आ रहे हैं, तो वो लोग कैरियर के बन के रूप में आ रहे हैं, तो उनको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। हमारे एयरपोर्ट पर, हमारे रेलवे स्टेशन पर, हमारे बस अड्डों पर हमारी टीम लगी हुई है। वहाँ के यात्रियों को कम से कम 10% हम उनसे सैंपल ले रहे हैं और उसकी जांच करा रहे हैं। अभी हमें एक पॉजिटिव एयरपोर्ट पर मिला हुआ था जो देवरिया का रहने वाला था, तो देवरिया के सीएमओ को हम लोग सूचित कर दिए और उसकी वो ट्रेसिंग कर रहे हैं। और चूँकि केसेस बढ़ रहे हैं तो हम लोग सघन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करना शुरू कर दिए हैं और हमारी स्वास्थ्य निगरानियां जो हैं, ग्रामीण क्षेत्र में निगरानी समितियां हैं जिसमें आशा, लेखपाल और पंचायती राज के लोग हैं, और शहर में मोहल्ला समितियां हैं जिनको भी एक्टिवेट किया जा रहा है। तो हम पिछली साल की तरह से ही हम लोग एक्टिव हो जाएंगे जिससे कि हमारे केसेस न बढ़ने पाए। सर, क्या कहेंगे उन लोगों से जो इस तरह के जांच को या कोरोना बीमारी जैसे उसको छिपाने का प्रयास करते हैं? पहले भी करते हैं? नहीं, बिल्कुल ना छिपाएं। ये बीमारी चूँकि समय से बता देंगे तो आप अपने लोगों को नहीं फैलाएंगे, आपको खुद ही हम लोग गाइड करते रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए कोई अपने को ना छुपाए। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई स्टिग्मा नहीं है, ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं है कि आपको बीमारी हो गई तो आपको ऐसा कुछ किया जाएगा। आप बताएंगे तो आपके भले के लिए हम लोग गाइड करते रहेंगे। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग, जिसको भी जला सा भी लक्षण या कुछ महसूस हो, और हम ये भी चाहते हैं कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो अपने घर जाएं और स्वतः ही 14 दिन अपने को अपने परिवार वालों से थोड़ा सा आइसोलेट कर दें, मास्क लगाएं और आप हाथ अपना सैनिटाइज कर धोते रहें और लोगों से दूरी बना के रखें, जिससे कि अपने लोगों को, खुद माँ बाप को खुद वो इन्फेक्शन ना दें, अपने माँ बाप का ध्यान रखें और माँ बाप जिससे उनकी सुरक्षित रहें और खुद ही वो स्वस्थ हो जाएंगे 14 दिन बाद।
अगर उनको कोई लक्षण आता है तो वो जाके जांच कराएं हमारे नियर सेंटर पर। सभी सेंटरों पर हमारा कोरोना जांच हो रही है, निःशुल्क जांच हो रही है, और वहाँ जांच कराएं। और पॉजिटिव आते हैं तो उनको हम लोग गाइड करेंगे, उनको सुझाव देंगे, और निगेटिव आते हैं तो अच्छी बात है।